नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हैं। दोस्तों, 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से आपकी किस्मत फूल की तरह खिलने वाली हैं। जी हाँ, जिसके लिए आप तड़प रहे थे अब मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शनिदेव न्याय की देवता हैं और ये कर्मों के आधार पर सबको फल देते हैं। जी हाँ, जिनके अच्छे कर्म हैं उन्हें अच्छे फल देते हैं और जिनके बुरे कर्म हैं उन्हें भगवान शनिदेव दंड देने में जरा सी भी देर नहीं लगाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि न्याय की देवता शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपका एक अच्छा समय शुरू होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपको बड़े बड़े मुकाम हासिल होने वाले हैं, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो ग्रह नक्षत्र के चाल पर आधारित है, जिसमें आपको सभी जानकारियों को विस्तार से देने वाले हैं। इस राशिफल को निर्मित करते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें हम आपको बताएंगे आपका व्यापार, लेन देन, मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ एवं अशुभ घटनाओं की विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों, इन सभी जानकारियों को आप प्राप्त करके अपने दैनिक योजनाओं को भी सफल बना पाएंगे। जी हाँ, ग्रह नक्षत्र के चाल के आधार पर आपको यह भी बताने वाले हैं कि ग्रह सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आज आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकती हैं। वीडियो बड़े ही खास है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले न्याय के देवता भगवान शनिदेव के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखें जय शनिदेव। न्याय के देवता शनिदेव आपको सभी कामों में सफलता दिलाएगी। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं आपका राशिफल। दोस्तों, आज आप कुछ ऐसे अवसरों को पकड़ने की कोशिश करें जो आपको सोचने और उससे अपने तरीके से दोबारा पेश करने का मौका दे। आप इसे उत्साह के साथ भी कर पाएंगे और आपको आनंद भी मज़ा भी आएगा। घर में कुछ बदलाव होने से ही शायद आप अत्यधिक एकाग्रता और अत्यधिक बेहतर जो है अवसरों के लिए किसी नई जगह जाना चाहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस दौरान आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। आज आप सामान्य से अधिक कार्यक्रम और दृढ़ व्यवहार करेंगे, इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़ेगा। इसके उपरांत आपके आश्चर्य की भावना से आज जरूरी मौका भी आपको मिल जाएगा। इस अवसर का लाभ उठाएं और इससे चूकें ना, यही आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो आज आप खास तौर पर ऊर्जा से भरे हुए हैं और स्वास्थ्य महसूस कर रहे हैं। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए किसी फायदे के काम में करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई काम टालते आ रहे थे, पेंडिंग में छोड़ते आ रहे थे, तो आज आप आसानी से उसे पूरा कर सकती हैं। आज का दिन नया एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करें या फिर एरोबिक्स या फिर तैराकी जैसी कार्यकलापों की भी क्लास लेने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अपने सेहत के लिए आप कुछ समय कुछ नया जो है ट्राई करना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और आज आपको अपने किसी करीबी की अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी परिजन की सेहत के बारे में चिंतित थे, तो आज उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर मिलेगी। आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, परेशान थे, तो आज उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है।
सुनकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, मन आपका प्रसन्न होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपके प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो आज रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा दिन है। आपको अपने पार्टनर को यह दिखाने की ज़रूरत है कि आप उन्हें इस रिश्ते को भी गंभीरता से महत्व देते हैं। यह सही समय है, यह बढ़िया समय है कि आप उसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें ताकि आपके पार्टनर को भी यह बात महसूस हो, यह बात पता चले कि आपकी रोमांटिक लाइफ, देखिए, एक अंतरंग डिनर है और किसी रोमांटिक भाव भंगिमा या फिर गिफ्ट से नए मुकाम पर पहुंच सकती है। एक दूसरे के प्रति अधिक से अधिक ख्याल रखें और एक दूसरे का मान सम्मान दें, ये आपके लिए उचित रहेगा और आपके जो है लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रेम संबंध मजबूत होंगे। इसके उपरांत आज आप यह समझने की शुरुआत करेंगे कि आप और किसी की कहने पर आज से नहीं चलेंगे और अपने संबंधों में कुछ स्वास्थ्य सीमाओं का भी पालन करेंगे। इसके उपरांत आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने सबसे बड़े शुभ चिंतकों को भी अपने लिए फैसले लेने की छूट नहीं देनी चाहिए और अपनी किसी राय का भी सम्मान करना चाहिए। आप उसकी तरफ पहला कदम उठाइए, लोगों की नज़रों में आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा, लोग तारीफ करेंगे और आपका मान प्रतिष्ठा में इजाफा लेकर आएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपके कैरियर और धनराशि फल की बात करें तो आज का दिन सट्टा उधम के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय इस समय आप ना लें। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें, अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान दिलवाता है, इसलिए इस समय जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे में किसी भी प्रकार की रिस्क वाला फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, इस समय देखिए लॉटरी आपके मकर जाल में इस समय ना फंसे। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना हानिकारक है, जिससे भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है, परंतु अगर आप हर एक सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको लाभ दिलवा सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज आप एकमात्र की भूमिका में रहेंगे, इसलिए एक मेज़बानी की जगह एक आयोजन की भूमिका में रहें, यह आपके लिए उचित रहेगा। आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे, परंतु एक आयोजक की भूमिका लाभ प्राप्त होगी। यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है, सिर्फ आप उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इस समय सोच समझकर फैसला लें और समय का लाभ उठाएं, सदुपयोग करें, क्योंकि देखिए समय और भाग्य दोनों आपके पक्ष में है, जितना हो सके इनका लाभ उठाएं, यही आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।